यहाँ लंबे लंबे ग्रेन्स वाले राइस बने हैं और ये बहुत ही यम्मी बने हैं। वेलकम टू खाना मनपसंद। मैं कामना चोपड़ा खाना मनपसंद में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज यहाँ आपके साथ एक और रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि है मिक्स वेज पुलाव। मुझे काफी लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि आप अलग अलग तरह के पुलाव राइस रेसिपीज और लंच बॉक्स रेसिपीज शेयर करें, तो यहाँ पर मैं मिक्स वेज पुलाव बना रही हूँ जो कि एक बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है और ये टिफिन के लिए स्पेशली पैक की जा सकती है क्योंकि एक तो पुलाव ठंडा होने पर भी अच्छा लगता है और दूसरा ये बच्चों को भी काफी पसंद आती है क्योंकि ये काफी कलरफुल होती है। तो यहाँ पर हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो देख लेंगे। मैंने यहाँ पर लिया है एक गिलास चावल। मैंने इस वाले गिलास से राइस को मेजर किया है, आप किसी भी गिलास या कटोरी से मेजर कर सकते हैं। तो हम जब राइस बनाएंगे, यहाँ पे मैंने लंबे वाले बासमती चावल लिए हैं। यहाँ पर जो मैंने राइस लिया है उसमें मैं एक गिलास राइस में 2 ग्लास जो है पानी ऐड करूंगी और ये जो राइस है ये मैंने आधे घंटे के लिए भिगो कर रख दिए थे। इससे चावल जो है वो पूरे लंबे लंबे और फूले हुए बनते हैं, बिल्कुल कच्चे भी नहीं रहते इससे, इसलिए आधा घंटा भिगो कर रख दें। इसे पहले ही मैंने इसे वॉश करके भिगो दिया था। यहाँ पर मैंने ली है 1/4 कप ग्रीन पीस यानी कि हरी मटर, बीन्स 2 बड़े चम्मच, गाजर आधी गाजर ली है यहाँ पर मैंने, इनको भी राउंड्स में काट लिया है, आधा प्याज लिया है बारीक कटा हुआ और साथ ही यहाँ पर मैंने फूल गोभी का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर उसके भी फ्लोरेट्स काट लिए थे। यहाँ पर मैंने ली है शिमला मिर्च येलो और रेड, आप हरी वाली भी यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं। मैं इन्हें पहले ही भून कर अलग रख लूंगी क्योंकि हम इन्हें बाद में ऐड करेंगे। अगर हम राइस के साथ ही इन्हें डाल देंगे तो ये बीच में मशी सी हो जाती है जिससे कि इनका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए मैं इन्हें पहले ही भून कर अलग रख दूंगी। साथ ही राइस को फ्लेवर करने के लिए, पुलाव को फ्लेवर करने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 तेज पत्ते, 2 छोटी लौंग, 1 से 2 इलायची छोटी वाली बड़ी इलायची और एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा। इससे हम जो है राइस में बहुत ही अच्छी खुशबू और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। यहाँ पर मैंने लेमन लिया है, 1 छोटा सा लेमन का पीस है। हम कुछ ड्रॉप्स जो है लेमन राइस में डालेंगे, इससे चावल जो है खिले खिले बनते हैं, चिपकते नहीं है। और हम यहाँ ओपन पैन में चावल बना रहे हैं। अगर आप इसे कुकर में बनाएं तो इसमें 1.5 कप पानी ऐड करें और अगर आप, क्योंकि मैं वेजिटेबल्स के साथ बना रही हूँ तो मैं यहाँ पे 2 ग्लास पानी ऐड करूंगी। यहाँ पर हमें लिया है 1 टीस्पून सॉल्ट, जीरा। फ्रेंड्स एक चीज और ध्यान रखें कि अगर आपको इसे लंच के लिए पैक करना है, आप इसे साइड डिश की तरह नहीं बना रहे हैं, तो आप इसमें कोई भी फ्लेवर दे सकते हैं जैसे कि गरम मसाला, पाव भाजी मसाला या आप सांबर मसाला, किसी भी तरह का फ्लेवर दे सकते हैं इन राइस को। और साथ ही यहाँ पर थोड़ा सा जिंजर गार्लिक लिया है, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं। और कुकिंग ऑयल लेंगे तड़के के लिए, यहाँ पर 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लूंगी मैं। तो अब हम राइस बनाना शुरू करेंगे। देसी घी में भी राइस बना सकते हैं, मैं भी देसी घी यूज करूंगी क्योंकि उससे जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आता है। ये देखिए, पहले मैं यहाँ पर 1/2 टीस्पून देसी घी ले रही हूँ। इसमें हम शिमला मिर्च को भून लेंगे, इसको जस्ट 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि ये थोड़ी सी कुक हो जाए। ये बहुत जल्दी कुक हो जाती है तो इसको हम निकाल लेंगे। आप इसमें कॉर्न, ब्रोकली, इस तरह की वेजिटेबल्स का भी यूज कर सकते हैं, जो भी वेजिटेबल्स आपको पसंद हो आप इसमें डाल सकते हैं। ये देखिए, हमने शिमला मिर्च को फ्राई कर लिया है, अब हम राइस बनाना शुरू करेंगे। तो हम इसमें 1 बड़ा चम्मच देसी घी लेंगे, क्योंकि मैं कुकिंग ऑयल यूज नहीं कर रही हूँ इसलिए मैं देसी घी का 1 बड़ा चम्मच लूंगी। आप घी को मेल्ट कर लेंगे, जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा हम इसमें खड़े मसाले ऐड करेंगे यानी कि साबुत गरम मसाला जो है वो ऐड कर देंगे। तेज पत्ता, मोटी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंग और छोटी इलायची, हम इनको हल्का सा भून लेंगे। जैसे ही मसाले भून जाएंगे हम इसमें जीरा डाल देंगे, जीरा भी भून लेंगे। जीरे के गोल्डन होते ही हम इसमें जिंजर गार्लिक डाल देंगे, जिंजर गार्लिक ऑप्शनल है, आप चाहें तो यूज करें चाहे तो इसे अवॉइड कर सकते हैं। डाल देंगे, थोड़ा सा भून लेंगे, इससे ये खुशबू और फ्लेवर अच्छा आता है राइस में, इसलिए मैंने ऐड किया है। अनियन डाल देंगे, हल्का सा भून लेंगे, बहुत ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं है। गाजर डाल देंगे, गोभी डाल देंगे, बीन्स डाल देंगे, यहाँ पर मैंने फ्रोजन मटर लिया, अगर आप फ्रोजन नहीं ले रहे तो बॉईल कर सकते हैं। और यहाँ पर ये
1/4 कप से थोड़ा सा ज्यादा है मटर, इसको डाल देंगे और इनको भून लेंगे सबको अच्छे से। सब्जियों को थोड़ा सा कुक होने तक भून लेंगे, बहुत ज्यादा कुक नहीं करना हमें, जस्ट हाफ डन हो जानी चाहिए क्योंकि हमने राइस जो है वो पहले से भिगोया हुआ है। अगर चावल भीगे नहीं होते तो हम इन्हें कम कुक करते, बट चावल भीगे होने के कारण वो जल्दी कुक हो जाएंगे, इसलिए हमें सब्जियों को हल्का सा गला लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं कुक करना, जस्ट 3 मिनट के लिए हम इन्हें कुक करेंगे और 2 मिनट हो चुके हैं, 1 मिनट के लिए और कुक करेंगे। मैं आज इसमें कोई फ्लेवर नहीं दे रही हूँ, आप चाहें तो मैंने आप पहले भी आपसे शेयर किया है कि आप इसमें पाव भाजी मसाला या सांभर मसाला या फिर आप इसमें जो भी मसाला, गरम मसाला आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो डालकर इसे किसी भी फ्लेवर में बना सकते हैं। तो ये 3 मिनट्स हो गए हैं वेजिटेबल्स को कुक होते हुए, तो अब हम इसमें चावल डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 1 गिलास चावल लिए हैं। हम राइस को ज़्यादा स्टर नहीं करेंगे क्योंकि आधा घंटा भीगे हुए हैं तो ये टूट सकते हैं, तो हम इन्हें हल्का सा स्टर कर लेंगे ताकि इन पर भी घी की हल्की सी कोटिंग हो जाए। अब हम इसमें 2 गिलास पानी डालेंगे। गैस का फ्लेम जो है वो मीडियम पर है, तो यहाँ पर 1 गिलास, 2 गिलास, जस्ट 2 गिलास पानी डाला है मैंने इसमें। और अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, जो हमने 1 टीस्पून नमक लिया है वो डाल देंगे। आपको अगर नमक चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं इसका, पानी को टेस्ट करें, अगर नमक थोड़ा सा तेज लगे तो इसका मतलब नमक जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब लास्ट में हम इसमें नींबू का रस डाल देंगे, जस्ट 1/2 टीस्पून नींबू का रस डालना है। हल्का सा मिक्स कर देंगे और कवर कर देंगे फॉर 7 to 8 मिनट्स। उसके बाद हम इसे चेक करेंगे और गैस का फ्लेम जो है वो, जब तक इसे बॉयल नहीं आता तब तक गैस का फ्लेम हाई रहने देंगे, उसके बाद गैस का फ्लेम जो है सिम कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, 2 मिनट्स के बाद इसमें बॉयल आ चुका है, तो अब हम इसे चेक कर लेंगे। ये देखिए, अब मैं गैस का फ्लेम जो है लो टू मीडियम के बीच में कर दूंगी और इसे कवर कर दूंगी अगेन से 7 से 8 मिनट के बाद चेक करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इन्हें कुक होते हुए 7 मिनट्स हो चुके हैं, तो अब हम गैस लिड हटा देंगे और उस, ये देखिए राइस जो है पूरी तरह कुक हो चुके हैं, वेजिटेबल्स भी कुक हो चुकी हैं। हम हल्का सा चेक कर लेंगे इन्हें, पीन में हल्का सा नीचे मॉइस्चर है और ये देखिए इसमें हल्का हल्का पानी है। अभी इन्हें 7 मिनट्स हो गए हैं और हमें 10 मिनट्स में कुक होते हैं ये, तो हम इन्हें ढक देंगे और इन्हें 3 मिनट्स के लिए और ढक दूंगी और उसके बाद मैं इन्हें चेक करूंगी। पूरे 10 to 11 मिनट्स हो चुके हैं इन्हें कुक होते हुए, तो हम इन्हें चेक करेंगे। ये देखिए राइस जो है लगभग कुक हो चुके हैं। अब हम इसमें शिमला मिर्च जो हमने रखी थी पहले से फ्राई करके उसको मिक्स कर देंगे। ये देखिए हम इन्हें फोक की हेल्प से मिक्स करेंगे ताकि जो राइस का ग्रेन है वो टूटे नहीं। ये देखिए पूरी तरह से कुक हो चुके हैं हमारे राइस जो हैं, एंड दे आर लुकिंग रियली अमेजिंग। मैं आपको क्लोज व्यू दिखाना चाहूँगी। ये देखिए कितना बढ़िया लंबे लंबे ग्रेन्स वाले राइस बने हैं और ये बहुत ही यमी बने हैं। ये इनकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और ये पूरी तरह से कुक हो चुके हैं, तो अब इन्हें कुछ सेकेंड के लिए कवर कर देंगे और उसके बाद अब इन्हें सर्व करेंगे। देखिए मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और इसे कवर कर दूंगी मैं इसे 3 to 5 मिनट्स के लिए कवर कर दूंगी और उसके बाद मैं इसे सर्व करूंगी। तो 3 से 5 मिनट के लिए इसी तरह इसे कवर रहने देंगे, सर्व करूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे गर्मा गर्म परफेक्ट मिक्स वेज राइस जो है वो रेडी है। ये देखिए एक एक दाना खिला हुआ है इसका और ये बहुत ही अच्छे बने हैं। तो आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है देन प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दीज रेसिपीज विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग खाना मनपसंद। बाय बाय, एंजॉय द रेसिपीज, बाय।